दोस्तों, एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था। गुरु भी अपने शिष्य से गहरा लगाव रखते थे, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से कामचोर व आलसी था। वह अपने अध्ययन के प्रति बहुत ही ज्यादा लापरवाह था। वह अक्सर ही आज के कामों को कल पर टाला करता था और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। गुरु अपने इस शिष्य के आलसी स्वभाव को बढ़ता देखकर चिंतित रहने लगे। वो चिंतित रहने लगे कि कहीं मेरा प्रिय शिष्य अपने आलस्य की वजह से जीवन के संघर्ष में पराजित ना हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में व्यक्ति को निकम्मा बनाने का पूरा सामर्थ्य होता है। ऐसा व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है, वह जल्द निर्णय नहीं ले पाता और अगर ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग नहीं रहता, ना ही किस्मत से मिलने वाले मौकों का सही फायदा उठा पाता है। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के आलसी स्वभाव को खत्म करने की योजना बना ली। एक दिन गुरु ने चमकता हुआ एक सफेद पत्थर शिष्य के हाथों में देते हुए कहा, मैं ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को स्पर्श करोगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। इन दिनों में तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रहे, दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद ये जादुई पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये सोचने में ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा उसका जीवन कितना अच्छा होगा, वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध व संतुष्ट होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सोना आ जाएगा तब वह एक आलीशान घर बनवाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा जिसमें वह हर शाम घूमा करेगा। अपने लिए वह एक बढ़िया सा घोड़ा गाड़ी भी बनवाएगा जिसका रथ सोने का बना होगा। बहुत से अंगरक्षक और नौकर रखेगा, उन्हें पूरे दिन आदेश देता रहेगा। यही सब सोचता सोचता वह उस रात सो गया। फिर दूसरे दिन की सुबह जब वह जागा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा व अंतिम दिन है। उसने अपने मन में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ यह संकल्प लिया कि आज वह गुरु जी द्वारा दी गई जादुई पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाकर वहां से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर लेगा। दिन बीतता गया और वही सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, थोड़ी देर बाद जाकर सामान ले आऊंगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने निश्चय किया कि दोपहर के खाना खाने के बाद सामान लेने जाऊंगा, पर भोजन के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठने के मेहनत करने के आराम करना ही उचित समझा। लेकिन आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर जल्द ही नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागा, रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को आता देख वह चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही गुरु उसके सामने पहुंचे वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए गुरु से कहा कि एक दिन और कृपा करने की गुजारिश कीजिए। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना के बाद शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके लिए एक अभिशाप है। उसने प्रण लिया कि अब वह कभी भी अपने किसी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग, सक्रिय व्यक्ति बनकर ही दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद ही डालते हैं।
आते धागों की तरह होती है। इसकी एक लपेट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसी धागे को कई बार लपेट लिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शुरुआत में किसी बुरी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन महीने व साल बीत जाने के बाद किसी आदत को बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको पूरे धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करना ही होगा। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हमारी आदतें ही हमें बनाती है और वही हमें बिगाड़ती है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो हर इंसान को अच्छे अच्छे मौके जरूर मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य व मेहनत ना करने की आदत की वजह से उस हाथ आए मौके को गवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते ही रहते हैं। लेकिन इनमें से भी ज्यादातर लोग अपनी असफलता व नाकामयाबी के लिए अपने आलस्य व काम चोरी को ही जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि वो अपने माता पिता, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, किस्मत इत्यादि को ही जिम्मेदार मानते हैं। और फिर ऐसे लोग अपनी किस्मत, परिस्थिति को कोसते हुए बिना किसी सफलता व आत्मिक खुशी के इस दुनिया को अलविदा ही बोल देते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि सबसे पहले अपना सारा काम करें, उसके बाद ही किसी और तरफ ध्यान दें। सिर्फ इसी से ही आप अपने आलस्य को दूर कर सकते हो। आपने एक चीज और भी ध्यान दिया होगा कि काम को हम टाल तो देते हैं, परंतु उसके बाद हमें गिल्टी फील होता है। उसे टालने से हमें खुशी नहीं मिलती, तो आखिर हम उस काम को टालते ही क्यों हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि आपको जो काम करना है और उस काम से आपको जो रिजल्ट मिलेगा, उसे मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, तो आप उसे टालने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसका दूसरा कारण है कि ऐसा काम जो आपकी जरूरतों से मैच नहीं करता या फिर आपको वह काम करना पसंद नहीं है, तो उस काम को आप टालते ही रहेंगे। काम को टालने का तीसरा कारण यह है कि आपके लिए वो काम जरूरी नहीं या फिर उसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो उस काम को आप टालते ही रहोगे। चौथा कारण ये है कि यदि हमें किसी काम को करने का फायदा तुरंत मिल जाता है तो हम उसे करने में ज्यादा उत्साहित होंगे, बजाय उस काम को करने में जिसके फायदे हमें बहुत लंबे समय के बाद ही मिलेंगे, और फिर हम ऐसे कामों को टालने की कोशिश करते ही रहते हैं। पांचवा व सबसे बड़ा कारण जिससे हम आलस्य व काम को टालते ही रहते हैं, वो है असफलता का डर। अगर किसी काम को करने में हमारे फेल होने के चांसेस ज्यादा है, तब भी हम उस काम को टालने की कोशिश करते रहते हैं। प्रश्न ये है कि काम को टालने की इस बुरी आदत से कैसे बचा जाए? यदि आपको किसी काम को करने में ये चीजें मिल रही हैं, तो आप जरूर उस काम को करेंगे। पहला है मनचाही परिणाम, दूसरा उस काम में आपके सफल होने की पूरी संभावनाएं, तीसरा है अभी जो फायदा हो रहा है उस काम को करने के बाद आपका ज्यादा फायदा हो। अगला कारण है जब भी आपको काम का परिणाम व लाभ तुरंत ही मिल जाता है, आखिर कैसे बचा जाए काम को टालने से? तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आखिर क्यों मैं कामों को टालता हूँ। ऐसा करने से आपको कारण का पता चल जाएगा और कारण पता चलते ही आपकी आधी समस्या यही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से एक शिक्षा तो जरूर मिली होगी कि काम को टालने से अपना कितना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। हमेशा याद रखो कि असफल होने से ज्यादा बड़ा गुनाह प्रयास ना करना ही होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी महात्मा बुद्ध की एक और अनमोल कहानी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।